ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों। मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको बताएंगे कि आने वाले इन चार दिनों के दरमियान किस प्रकार बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो कुछ बड़ी घटनाएँ घटित हो सकती हैं, जो कि 5, 6, 7 और 8 अगस्त का समय, जो कि आप लोगों के जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। आने वाले चार दिन बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार इत्यादि अपनी शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, माता रानी का सच्चो भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आने वाले चार दिन आप लोगों के जीवन में ग्रह गोचर का साथ और भगवान भोलेनाथ का सपोर्ट मिलने वाला है। गुरु के नवे भाव में महजूद होने के कारण इस दौरान समय अवधि के दौरान आप नियंत्रण अपने जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना हर चीज़ को लेकर भी नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि यह समय आपको काम का ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस दौरान आपको यह समझने होंगे कि दूसरे के सामने अपने आत और अपनी हैसियत से ज़्यादा खोल कर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संजय कर सकेंगे। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होंगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर होगा, जिस पर आपको अपने धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में मान सम्मान देने का कार्य करेगा। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय को लेने में मदद करता ही है, साथ ही हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते रहेंगे, परंतु इस बदलाव आपकी अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से अलग सलाह लेने से रोक सकती हैं, जिनसे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसलों को लेने के लिए बाध्य होंगे। बुध के पहले भाव में होने के कारण इस दौरान छात्रों को अपनी मेहनत करते हुए रहने की ज़रूरत रहेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको समझने की क्षमता बेहतर होने वाली है। आपको इस समय अपने संगत ग्राहक संगत की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको अपने कार्य को करने की कोशिश करते रहे होंगे और आज के दिन आपको जीवन में कोशिश करते रहे होंगे और आज के दिन बेहतर चीज़ों को लेकर भी आप लोगों को जीवन में काम करने की कोशिश करने और आने वाली परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करने में संकलन होनी होंगे। उपाय, आपको शनिवार को शनि ग्रह के लिए हवन यज्ञ करना जीवन में आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। शुक्र के दुष्पहले भाव में होने के कारण आपकी लव लाइफ इस दौरान भर बेहद ही बेहद दृढ़ होने वाली है, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रियतम को समय समय पर अच्छे तोहफे देंगे। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और आज उनका रुझान आपकी ओर और भी अधिक बढ़ पाएगा। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए सबसे विशेष होने वाला है। जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं, जहां आप उनके अपने दिल की हर एक बात को कहने में सफल होंगे। जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा होंगे, बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानियों एक बड़ी वजह की वजह के बचपन की मासूमियत को जीने की चाहोगे, इसलिए खुलकर जिए। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावनाएं होंगी। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। पारिवार के सदस्य सहयोगी होंगे, लेकिन उनकी सारी मांगें पूरी होंगी। किसी भी अचानक से हुई मुलाकात रूहानी मुलाकात अपने दिन को बेहतर करने वाली है। जिन शुभ और बेहतर कार्य हो जय मां विंध्यवासिनी।